गाइस आज की वीडियो में हम लोग फिर से आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग किचन प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रेस्टीज का एटलास्ट नियो इंडक्शन और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है पीजन का इलेक्ट्रिक राइस कुकर। तो गाइस चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे प्रेस्टीज के एटलास्ट नियो इंडक्शन की, तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस ये हमारा इंडक्शन बाहर आ चुका है, तो चलिए उसको हम इस पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस बाहर निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है ये और काफी बढ़िया आप लोगों को इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, काफी मजबूत मटेरियल का आपको मिल जाता है बना हुआ। और गाइस ये जो ऊपर की आप लोगों को प्लेट मिलती है ये आप लोगों को सेरेमिक की प्लेट मिलती है, जो की जिसपे आप लोग अपना जो भी सामान रख के गर्म करेंगे वो यहाँ पर आप लोग गर्म कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को नीचे को सेटिंग दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए आप लोगों को बटन मिल जाता है और गाइस ये आप लोगों को इसके वाट कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है, जितने ज्यादा आप इसके वाट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये हीट होगा, तो ये आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये नीचे आप लोगों को ये फंक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लोग इन सब में से कुछ भी सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं इसे। तो फंक्शन वाले ऑप्शन से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे अगर आप लोगों को इस पर प्रेशर कुकर रखना है तो फिर आप फंक्शन दबा के यहाँ पर इसे प्रेशर कुकर पे कर सकते हैं। तो गाइस इसे मैं अभी आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये फंक्शन वाला बटन यूज करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये हो चुका है ऑन, तो गाइस तो पहले से कर लेते हैं हम लोग ऑन। तो गाइस इसके ऊपर कोई बर्तन वगैरह नहीं रखा है इसलिए ये एरर जीरो दिखा रहा है ऑन करने के बाद, लेकिन जब हम इस पर बर्तन रख देंगे तभी चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ऑन करते ही ऑटोमेटिक इसका प्रेशर कुकर वाली लाइट जल चुकी है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। जैसे कि मैं इसे दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं अब ये करी पर आ चुका है, जैसे आप लोगों को करी बनानी है तो फिर आप लोग ये इस पे सेलेक्ट करके करी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग सब कर सकते हैं, आपको पानी बॉईल करना है तो फिर आप लोग इस वाटर वाले पे ला सकते हैं, फिर आप लोगों को सूप बनाना है तो आप सूप वाले पे ला सकते हैं, आपको मिल्क गर्म करना है तो आप मिल्क पे ला सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी करना है वो आप इस फंक्शन की मदद से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक रोटी डोसा वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, तो जब आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो फिर रोटी वाले मोड पे आ जाएगा और इस पे आप लोग अपना तवा वगैरह रख के इंडक्शन के साथ कैपेबल वाला का तवा रख के इस पे आप लोग रोटी या फिर डोसा भी बना सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को इस पर पानी रख के आप लोगों को दिखाता हूँ गर्म करके कि कितनी तेजी गर्म कर सकता है पानी को। तो ये मैंने रख दिया, देख सकते हैं हम इसकी एरर तुरंत हट गई और ये चालू हो गया है। तो अब मैं इसको वाटर पे सेट कर देता हूँ फंक्शन पे जाकर, आप देख सकते हैं वाटर पे मैंने सेट कर दिया इसे। तो गाइस अगर आप लोग इसको वाटर पे ना करना चाहें तो फिर आप लोग इसको ऐसे ही हटा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके इस हीट को। जैसे कि अगर मैं इसे फुल कर देता हूँ तो ये वाट हम लोग इसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस ये 1200 वाट का इंडक्शन है, तो आप लोग इसको मैक्सिमम 1200 वाट तक सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये 1200 वाट पे सेट है। तो गाइस इसको आप लोग कम करके इसकी हीट कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि अभी फुल हीट पे है तो पानी बहुत तेजी से बॉयल हो जाएगा और इसकी वजह से आप लोग इसे कम भी कर सकते हैं इसकी हीट को, इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे 1200 वाट पे कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पानी एकदम धुआं देने लगा और काफी जल्दी ये बॉयल होने लगा है पानी। तो गाइस इसमें आप लोगों को ये सारे फीचर मिल जाते हैं, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ इससे। तो गाइस ये सब तो होगा इसके नॉर्मल फीचर। तो इसके बाद जो आप लोगों को मिलता है वो आपको मिलता है ये टाइमर सेट करने का, तो इससे आप लोग टाइमर सेट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितनी देर कुक करनी है कोई चीज, तो आप इसमें टाइमर सेट करके चले जाए, बाद में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जब आप लोगों का टाइमर एंड हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो गाइस आज का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है पीजन की तरफ से आने वाला सिंगल पॉट इलेक्ट्रिक राइस कुकर। तो गाइस चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस इसको अनबॉक्स करने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 700 वाट्स का आपको ये कुकर मिलता है और गाइस इसमें आप लोगों को 1.8 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती है, जिसमें मतलब आप लोग इतनी लीटर्स की कोई भी चीज कुक कर सकते हैं 1.8 लीटर्स तक। और गाइस इसमें आप लोगों को एक साल की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट की आप लोगों को एक साल की वारंटी मिलती है, एक साल तक अगर इसमें कुछ भी खराबी आती है तो आप लोग इसको सही करवा सकते हैं इसके सर्विस सेंटर पर। और गाइस 5 साल की आप लोगों को इसमें हीटिंग एलिमेंट की वारंटी मिलती है, तो 5 साल तक अगर इसके हीटिंग एलिमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इसे सही करवा सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका हीटिंग एलिमेंट कौन सा है, तो हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा कुकर, ये सामने आ चुका है। तो ये इसका हमें एक मैनुअल मिल जाता है, तो आप लोग ये मैनुअल पढ़ सकते हैं इसको यूज करने के लिए, पूरा मैप जितना लंबा आपको इसका मैनुअल मिल जाता है। इसको हम लोग बंद करके रख देते हैं साइड में। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। ये है इसका कैप, और इसके साथ में आप लोगों को मिल जाता है ये कप, जिससे आप लोग मेजर कर सकते हैं अपने चावल वगैरह जो भी चीज आप लोगों को मेजर करनी है। और अगर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक स्पैचुला, जिसको आप लोग इस कुकर के साथ यूज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया क्वालिटी का मिलता है आपको, काफी मजबूत आप लोगों को स्पैचुला मिल जाता है। और गाइस उसके बाद आप लोगों को ये जाली टाइप की मिल जाती है, तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं।
तो गाइस ये है हमारा एक भगवाना जिसमें आप लोग अपने चावल वगैरह डालेंगे, तो ये 1.8 लीटर का है जिसमें आप लोग बना सकते हैं, काफी बड़ा है। तो हम इसको हम साइड में करते हैं और हमने आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो गाइस ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, तो आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया आप लोगों को इसकी क्वालिटी मिल जाती है, पूरा व्हाइट फिनिश में मिलता है आप लोगों को व्हाइट कलर में, तो काफी बढ़िया लगता है ये। तो इसको मैं भी आप लोगों को बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। तो गाइस इसको मैंने निकाल लिया है बाहर, तो आप लोग देख सकते हैं क्या ही बढ़िया लुक आ रहा है इसका। तो गाइस इसको निकाल लिया मैंने बाहर, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये, और आप लोग इसको फ्रंट से भी देख सकते हैं काफी बढ़िया आप लोगों को मिल जाता है पूरा व्हाइट कलर में, काफी बढ़िया लगता है। और गाइस जो हीटिंग एलिमेंट की आप लोगों को वारंटी मिलती है, तो ये है वो हीटिंग एलिमेंट जो पूरा हीट होता है, और ये बीच में आप लोगों को भगवान रखने के मिलता है जिससे ये सेंसर है जिसपे जैसे आप लोग अपना ये रखेंगे प्लेस करेंगे तो फिर ये दब जाएगा और ऑटोमेटिकली ये आपका कुकर ऑन हो जाएगा। गाइस ये मैं हटा देता हूँ। तो गाइस ये आप लोगों को इसका कैप मिल जाता है। तो गाइस सबसे बड़ी बात मुझे इसमें लगी क्योंकि आप लोगों को, तो गाइस सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें ये लगी कि आप लोगों का जो इसका ये कैप मिलता है ये भी आप लोगों को ग्लास फिनिश में मिलता है पूरा। तो आप लोग इसको कुछ इस तरीके से अपने भगवाना रखने का लगा सकते हैं, जैसे कि इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा सकते हैं और काफी बढ़िया लगता है ये लगने के बाद भी। तो आप लोग देख सकते हैं इसको पूरा, गाइस ये इस तरीके का लगता है कुछ, तो काफी बढ़िया लुक देता है ये भी। और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ सामने से भी, तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग सामने से इसका लुक। तो गाइस ये मिल जाता है आप लोगों को इसका 3-pin प्लग जिससे आप लोग इसे ऑन कर सकते हैं, और गाइस ये आप लोगों को काफी बढ़िया मिलता है। तो गाइस इसके साथ में आप लोगों को दो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो एक है आपका कुक और एक है आपका वार। तो कुक में क्या होता है, जब तक ये अंदर आप लोगों की हीटिंग एलिमेंट चालू होगा और जब तक ये चल रहा होगा हीटिंग एलिमेंट तब तक ये कुक पे रहेगा, और जब ये ऑटोमेटिक कट कर देगा इसको तो ये आप लोगों की लाइट वार्म पे जल जाएगी। तो गाइस इसमें आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, अपने राइस वगैरह से रिलेटेड आप चाहे तो इसमें पोहा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इडली भी बना सकते हैं, इसमें आप लोग अलग से एक अटैचमेंट लेके आप लोग इसमें इडली बना सकते हैं राइस। तो गाइस ये भी आप लोगों को काफी बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आप लोगों को साइड में इसके हैंडल मिल जाते हैं जिससे पकड़ के आप लोग इसे इस तरीके से उठा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर मेटल की मिल जाती है, और ऊपर आप लोगों को ग्लास का मिलता है, और अंदर भी आप लोगों को सब कुछ मेटल का मिल जाता है, और ये जो हैंडल है ये प्लास्टिक के है ताकि ये गर्म ना हो, अगर मेटल के होंगे तो ये गर्म होंगे, तो जिससे आप लोग इसे आराम से उठा पाए इसलिए प्लास्टिक के दिए गए हैं। गाइस इन दोनों प्रोडक्ट्स का बाइलिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।